नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। 5 जनवरी को रांची में सभा को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी की यात्रा खूंटी में पहुंची, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया। राहुल गांधी ने सुबह खूंटी में ही बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले राहुल गांधी का भगवान बिरसा मुंडा के गांव लिहातू जाने का कार्यक्रम था, लेकिन सुरक्षा के चलते वे वहां नहीं जा पाए। राहुल गांधी खूंटी में तमाड़ मोड़ से लेकर भगत सिंह चौक तक रोड शो कर रहे हैं। इसके बाद वे तोरपा होते हुए सिमडेगा के लिए रवाना हो जाएंगे। सिमडेगा के बाद राहुल गांधी ओडिशा चले जाएंगे। राहुल गांधी सिमडेगा के बसिया कोनीवीर में पत्रकारों से बातचीत करेंगे। इन दोनों जगह राहुल गांधी की कोई सभा नहीं है। इसके बाद राहुल ओडिशा में प्रवेश करेंगे। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6 फरवरी को ओडिशा पहुंचेगी, जहां शरद पटनायक सुंदरगढ़ के बीर मित्रपुर में पार्टी के नेता राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी झारसुगड़ा पहुंचेंगे। यहां 7 फरवरी को उनके रात गुजारने की संभावना है। अगली सुबह यात्रा छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने से पहले ब्रजराज नगर, बेलपहाड़, कनकट्टारा पहुंचेगी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा झारखंड में अब तक 7 जिले कवर कर चुकी है। उनकी न्याय यात्रा की शुरुआत पाकुड़ जिले से हुई, जिसके बाद वे गोड्डा पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद देवघर में बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। यहां से वे धनबाद पहुंचे। जनता को संबोधित करने के बाद 4 फरवरी को राहुल गांधी बोकारो के रास्ते रामगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया। सोमवार की सुबह 8 बजे उनकी यात्रा शुरू हुई। रांची के शहीद मैदान में लोगों को संबोधित करने के बाद खूंटी पहुंचे। यहां रात्रि विश्राम के बाद मंगलवार की सुबह यात्रा प्रारंभ करी। फिर सिमडेगा में लोगों से मिलते हुए ओडिशा में प्रवेश करेंगे। रांची के शहीद मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड में आपकी सरकार को क्यों हटाया गया। यहाँ आदिवासियों की सरकार थी जो बीजेपी को स्वीकार नहीं, लेकिन हम लोग एक साथ खड़े हुए तो सरकार बच गई। कांग्रेस नेता ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके लोकतंत्र पर अटैक किया जा रहा है, जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है। हमारा गठबंधन लोकतंत्र की आवाज़ को कभी दबने नहीं देगा। मोदी जी कहा करते हैं कि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। जब उनसे कहा गया कि जाति जनगणना करवा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि देश में 2 जाति हैं, एक अमीर है और एक गरीब। राहुल ने कहा कि हम सत्ता में आए तो देश भर में जाति जनगणना कराएंगे, आरक्षण पर लगी 50% की सीमा हटाई जाएगी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।